जो पढ़ लिया था फॉन्ट आइकन्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हम बुक फॉलो करेंगे, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये बुक है। अच्छा, इन्होंने शुरू में ही बता दिया है कि भाई 10 मिनट जो है ना आपने पढ़ना है बुक के चैप्टर्स को, और बाकी का जो 10 मिनट बच जाएगा, बल्कि 20 मिनट आपने लगाना है प्रैक्टिस पर। और हर चैप्टर के साथ इन्होंने ये प्रैक्टिस बना के दिया हुआ है। स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट .com करके वेबसाइट है, आप हर चैप्टर के आखिर में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो है ना एक्सरसाइज उन्होंने बना के रखी हुई है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना आपको वो पज़ल कम्प्लीट करना होता है। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसी से मुतालिक ये पज़ल होता है, तो आपको अगर अच्छे से आता होगा तो आप उसको सही से कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला सीन है। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ बैठते जाओ। अच्छा, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक अदद हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। बुक तो अभी साइट पे करते हैं, पहले हेलो वर्ल्ड हम वैसे ही बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट जो है ना उसका नाम अभी जो नया वाला है वो है ES6। ठीक है, तो फोल्डर का नाम मेरे ख्याल हम जावास्क्रिप्ट नहीं रखते हैं, फिर हम रखते हैं ES6 एंटर। अब ये ES6 क्या चीज़ है, इसकी स्टोरी अभी हम थोड़ी देर में सुनते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और ES6 ये क्या चक्कर है, असल में इसका जो नया नाम है वो ECMAScript है। तो ECMA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को संभाल रही है, इसलिए इसका नाम ECMAScript है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल नेम था स्टिल इसका, लेकिन जावा और स्क्रिप्ट ये जो दो वर्ड है ना ये पेटेंट है सन माइक्रोसिस्टम का, तो उन्होंने इस पर कर दिया सू, उन्होंने वाला बच्चा ये नाम हमने पेटेंट किया हुआ है फला फला सन में, आपने अगर ये नाम कंटिन्यू रखना है तो आप हमें दोगे पैसे। तो उन्होंने बोला कि खैर हो गई, हम नाम ही चेंज कर देते हैं। स्टिल आज भी बुक्स जितनी भी हैं वो जावास्क्रिप्ट के नाम से बिकती हैं, और जहाँ पे भी कोर्सेज वगैरह लॉन्च होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के नाम से होते हैं, बट ऑफिशियल नेम इसका ECMAScript है। ठीक है, वर्जन हम इसका जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 6। ठीक है, आज से कुछ अरसे पहले तक वर्जन 5 जो है वो लेटेस्ट था। हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए जैसे HTML के अंदर हम फाइल का नाम रखते थे index.html। अच्छा, तो जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में डायरेक्ट नहीं चल सकती। ठीक है, उसके लिए मुझे HTML की फ़ाइल लाजमी चाहिए होती है। तो पहले मैं इसमें भी पहले मैं क्या बनाऊँगा, index.html। ठीक है जी, और एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ मैं। ये HTML का एक बेसिक कोड लिख लिया मैंने, H1 हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट, ये मैंने जावास्क्रिप्ट बना लिया। अच्छा, अभी तक जावास्क्रिप्ट तो नहीं आई है। जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के आखिर में जाके स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा मैं। स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। अच्छा, सबसे पहला जो चैप्टर इस बुक में भी सबसे पहले इसने यही कोड दिखाया है, अलर्ट। स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए अलर्ट का एक कीवर्ड है वो इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में। तो अलर्ट मैंने लिखा, अलर्ट कीवर्ड, उसके बाद गोल ब्रैकेट ओपन, गोल ब्रैकेट क्लोज। इस गोल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं फॉर्मली, तो हम भी इसको पैरेंथेसिस बोला करेंगे। तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके अंदर डबल कोटेशन में, ठीक है, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, इस डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी हुई है प्रोग्रामिंग में इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे आम जुबान में इसको आप कह सकते हैं टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट या फ्री टेक्स्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट में या इन जनरल प्रोग्रामिंग में ये डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी हुई होती है इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये जो भी स्ट्रिंग होता है इसका मतलब होता है इसको एज इट इज़ ऐसे टेक्स्ट के तौर पे दिखाना है। तो अलर्ट मैंने कहा और साथ में ये बात लिख दी, तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज़ स्क्रीन पर मेरे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस HTML की फ़ाइल को चलाऊँगा। HTML की फ़ाइल जैसे ही चली ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड अलर्ट में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, हेलो वर्ल्ड के साथ साथ मैं एक और भी जिक्र करता चलूँ, ये जो है ना ये तो यूज़र को दिखाने के लिए होता है, लेकिन आमतौर पर डेवलपमेंट के दौरान हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, console.log। ठीक है, इससे भी टेक्स्ट प्रिंट होता है लेकिन कॉन्सोल में होता है। सही है, तो console.log और ऐसे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और बीच में स्ट्रिंग में एक मैंने बात लिख दी।
अच्छा, और इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड इन कॉन्सोल, ये वाला जो आपको प्रिंट होगा टेक्स्ट, ये कहाँ पे दिखेगा? ये सामने स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट का बटन दबाऊँगा, ठीक है। इंस्पेक्ट का बटन हम पहले भी प्रेस करके देख चुके हैं स्टाइलिंग के दौरान। ये मोबाइल डिवाइस को मैंने हटा दिया। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है कॉन्सोल, यहाँ पे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई नज़र आ रही होगी मुझे, ठीक है। इस जगह को कहते हैं हम डेवलपर कॉन्सोल। तो डेवलपमेंट से मुतालिक जो भी चीज़ मुझे प्रिंट करवानी होगी वो मैं यहाँ करवाऊँगा, ताकि यूज़र बार बार उस तरह के प्रिंट आने से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो अच्छा, अलर्ट भी बाय द वे वो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट में मौजूद तो है, लेकिन अलर्ट का भी इस्तेमाल अब आमतौर पर होता नहीं है, ठीक है। आपने बहुत कम देखा होगा कि वो अलर्ट, आमतौर पर साइट से नोटिफिकेशन टोस्ट निकल रहा होता है, ठीक है। वो CSS के ज़रिए हम अपना खुद का बनाया करते हैं, ठीक है। तो खूबसूरत सा, अच्छा ये तो जी जावास्क्रिप्ट का हमारा हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। अच्छा, कुछ एक दो और छोटी छोटी बातें जो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे आपको पता होना ज़रूरी है। वो बातें ये हैं कि सबसे पहले तो एक इंटरनल फाइल मैंने बना दी। CSS में भी ऐसे ही होता था, इंटरनल फाइल बना लेते थे हम। अच्छा, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फाइल बनाने का भी ऑप्शन है आपके पास, और एक्सटर्नल फाइल बनाना ही रेकमेंडेड है इसमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल है दैट इज़ रेकमेंडेड। तो हम क्या करते हैं, इसी कोड को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और एक एक्सटर्नल फाइल में यही सेम काम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने ये कोड कॉपी कर लिया और एक नई फाइल बनाऊँगा मैं, अब उसका नाम रखूँगा, कोई भी नाम रख सकता हूँ, .js लगाना है लास्ट में, app.js, ठीक है, app.js हो गया। अच्छा, इस app.js में आके मैं ये वाला कोड जो था ना ये पेस्ट कर दूंगा, अलर्ट भी और console.log भी, दोनों यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको सेव का बटन दबा के सेव कर दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाओ भाई, स्क्रिप्ट और src और .slash फाइल का नाम। CSS को कैसे अटैच करते थे हम? लिंक लगा के। इसको हम स्क्रिप्ट लगा के अटैच करेंगे। तो ये मेरा भाई उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से इंटरनल जावास्क्रिप्ट काम कर रही थी। दोनों के काम करने में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रेकमेंडेड क्यों है पहले तो उसको चला के ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो, रिफ्रेश किया मैंने, ये उसी तरह चल रहा है। यहाँ कॉन्सोल में भी जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ उतनी बार ये कॉन्सोल में लिखा हुआ जाता है, सही है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रेकमेंडेड क्यों है, उसका रीज़न ये है कि आप एक ही दफ़ा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और आप उसको मल्टीपल फाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल फाइल में ये कैसे इस्तेमाल होता है, फंक्शंस हम लिखते हैं एक्चुअली, जिसको मुख्तलिफ बटन के क्लिक के ऊपर उस फंक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जितना भी आप जो वेबसाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं या वेब एप्लीकेशंस पे जाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस पे जाते हैं, उसमें असल में क्या होता है कि हर क्लिक पे वो या तो आपको एक पेज से उठा के दूसरे पेज पे ले जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंकर टैग, ठीक है, या नेविगेशन जिसको आप कह लो, या ब्राउजिंग जो टर्म इस्तेमाल होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो क्लिक करने से एक से दूसरे पे, ब्राउजिंग कहते हैं, बुक को आप खोल के ना एक एक पन्ना पलट, ब्राउजिंग कहते हैं कि भाई वैसे ही आप, या विंडो शॉपिंग जिसको हम कहते हैं ना, तो ब्राउजिंग उसके लिए वर्ड है कि भाई आप मॉल में गए और आप देख रहे हैं कि यार सब चीज़ें शायद कुछ पसंद आ जाए ले लूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। तो वो ब्राउजिंग भी इसीलिए कहते हैं कि या तो एक पेज से दूसरे पेज पर आप जा रहे होंगे किसी वेब एप्लीकेशन पर, या तो किसी बटन के क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आप जाते हैं, ईमेल पासवर्ड लिखते हैं और बटन दबाते हैं लॉगिन का, तो वो कुछ करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और आपको वो डैशबोर्ड पे ले जाता है, चेक करता है आपका पासवर्ड गलत होता है तो नहीं भी लेके जाता, बता देता है आपको। इसी तरीके से लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं और पोस्ट का बटन दबाते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म होता है, पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो या तो नेविगेशन हो रही होगी किसी बटन के क्लिक पर, या तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो एक्शन जो परफॉर्म होता है वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट से होता है, और जावास्क्रिप्ट के हम फंक्शंस बना देते हैं कि अच्छा इस बटन के क्लिक पर ये फंक्शन चलेगा। तो वो सारे फंक्शन हम क्या करते हैं, फिर एक ही फाइल में लिखते हैं और उसको डिफरेंट जगहों पर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इंटरनल फाइल क्यों लगा रहे हैं, इंटरनल फाइल हम इसलिए लगा रहे हैं, मैं इस क्लास में इंटरनल फाइल यूज़ करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एक तो ये होता है कि वो पढ़ाने में मुझे उससे ईजी रहता है, क्योंकि एक ही फाइल को मैं स्क्रॉल बैक टॉप और बॉटम पे लेके चलता हूँ तो मुझे ईजी रहता है, फाइल स्विच करने में मसला होता है। दूसरा ये कि इंटरनल फाइल जो है जहाँ पे आप छोटी मोटी स्क्रिप्ट लगानी होती है वहाँ पे इंटरनल फाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कॉमन है, कि इंटरनली आप वो टैग लगा के चार लाइन का कोड है तो आप लिखते हैं। अच्छा, अब तो ये हो गई बात, ये जो बुक है ना आपकी, ये जो फॉलो कर रही है ना जावास्क्रिप्ट, वो कर रही है जावास्क्रिप्ट ES5, ये बुक ES6 की नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ES6 की कोई इतनी अच्छी बुक अभी तक मुझे नज़र नहीं आई जितनी अच्छी ये वाली है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम इस बुक को तो फॉलो करते जाएंगे, लेकिन हम जो कोड है ना इसमें लिखा हुआ है ES5 में, लेकिन मैं आपको वो कोड लिखवाऊंगा ES6 में, ठीक है? तो आपको दोनों का एक्सपोजर हो जाएगा, ES5 का भी एक्सपोजर। अच्छा, ES5 और ES6 में जो मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस असल में है सिंथेटिक शुगर। फंक्शनैलिटी का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंथेटिक शुगर इस चीज़ को कहते हैं कि ऐसा सिंटैक्स हो जो लिखने वाले को लिखने में अच्छा लगे और पढ़ने वाले को बाद में अगर कोई पढ़े उसको तो पढ़ने में अच्छा लगे, देखने में कोड क्लीन हो, ठीक है? तो सिंटैक्स जो पहले था, अभी जाहिर है जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, उनका एक अपना सिंटैक्स है जो डिज़ाइनर्स ने, और क्योंकि डिज़ाइनर जब ऐप की स्क्रीन बनाने में डिज़ाइनर है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में भी तो डिज़ाइनर का अमल दखल है ना। तो डिज़ाइनर्स ने सोच समझ के बहुत रिसर्च करके कि कैसे करके लिखेंगे सिंटैक्स तो क्लीन होगा, तो उन्होंने सोच समझ के ना नया सिंटैक्स एक बना दिया। तो वो सिंटैक्स जाहिर है क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अडॉप्ट कर लिया गया है, तो इन्होंने लगे हाथों तो ES6 में वो सारा सिंटैटिक शुगर अपने पास इंक्लूड कर लिया, ठीक है? जिसमें एरो फंक्शन है, अभी वो आप सब पढ़ेंगे, ठीक है? नॉर्मल फंक्शन एक सिंटैक्स होता है, एक एरो फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है, तो हम ये एरो फंक्शन यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह एसिंक का वेट करके एक चीज़ है, वो भी सिंटैटिक शुगर है। उसके लिए पहले प्रोमिसेस हुआ करते थे, अंदर इंटरनली प्रोमिसेस ही चल रहे हैं, लेकिन वेल तो ये मैंने कुछ वोकेबलरी बताई है आपको, जो ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं है, अभी तो हम वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अब हेलो वर्ल्ड एक बना लेते हैं हम ES6 का, ठीक है? अच्छा, कैसे करके हम बनाएंगे ES6 का मॉड्यूल, जाके हम यहाँ पे गूगल करते हैं, ये रहा मॉड्यूल। अच्छा, इसकी ये जो सपोर्ट है वो भी ये देख लें आप, कि ये जो मॉड्यूल वाला है, नया वाला ES6 है ना, वो ये तमाम ब्राउज़र का एक सर्टेन, जैसे क्रोम 61 से ऊपर होना चाहिए, एज 16 से ऊपर होना चाहिए, फायरफॉक्स करंट वर्जन तो ऑब्वियसली है। अब एक में यहाँ पे वो लगा हुआ है, अच्छा नहीं ये तो नॉट जेएस है ना, ब्राउज़र है ही नहीं वो, नॉट जेएस है। वेल, अच्छा इन्होंने सिंटैक्स क्यों नहीं यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, हाँ बस अभी नमाज के बाद उनको भेजेंगे, हाँ नहीं बंद करो, हाँ हाँ ये रहा। आप कहेंगे स्क्रिप्ट में टाइप मॉड्यूल का ना एक एट्रीब्यूट लगा देंगे आप, दैट्स इट, सही है, ये मैं भूल गया था, हाँ यहाँ पे ये सिंटैक्स आ गया। अच्छा, जस्ट यही स्क्रिप्ट होगी, इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, ES5 है ये, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यार ये ES6 है, सही है, और स्क्रिप्ट का जो टैग होगा हमारा उसमें क्या लगा देंगे हम, टाइप मॉड्यूल लगा देंगे, अच्छा टाइप मॉड्यूल जैसे ही हम लगा देंगे ना, तो इसमें जो नया वाला जितना सिंटैक्स है ES6 का वो सब सपोर्टेड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें वही लिख देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, आ जाओ भाई ये, अच्छा ये एक्सटर्नल फाइल जो अटैच है इसको भी रोक देता हूँ मैं, सही है, ये इंटरनल फाइल थी इसको भी कमेंट कर दिया, ये एक्सटर्नल फाइल लगी हुई थी ES5 की इसको भी कमेंट कर दिया। अब ES5 ES6 की अब इंटरनल फाइल हम चला के देखने लगे हैं, ठीक है? कोड मोस्ट ऑफ द कोड जो है ना वो वैसा ही है, बट कुछ जैसे वेरिएबल बनाने का कोड कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, वो कैसे पता चलेगी आपको डिफरेंट है, वो बुक में लिखा हुआ है ES5 वाला, यहाँ पे मैं करूँगा ES6 तो आपको वो खुद ही डिफरेंस पता चलता है, यार ये वाली चीज़ डिफरेंट है, ये वाली चीज़ सेम है, जैसे कि कॉन्सोल डॉट लॉग ये सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है? यहाँ पे आके मैं चलाऊँगा तो दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने रिफ्रेश, अच्छा अलर्ट मैंने हटा दिया, मैंने सिर्फ कॉन्सोल लिखा है इस बार, तो ये कॉन्सोल देखो यहाँ पे आता जा रहा है इस जगह पे। अच्छा, अब यही काम मुझे एक्सटर्नल फाइल में करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, इसको रोक देता हूँ इंटरनल वाले को, और एक्सटर्नल फाइल में आके एक मैं बनाता हूँ। अच्छा, ऐप के नाम से तो मैं पहले बना चुका हूँ, तो मैं किस नाम से बना लूँ, स्क्रिप्ट डॉट MJS, सही है, इसमें हम क्या लिखेंगे अब, MJS, हाँ
ESXP में लिखेंगे MJS, हाँ। अच्छा ये ऑप्शनल होता है कि या तो मैं टाइप मॉड्यूल मेंशन कर दूं या तो मैं MJS मेंशन कर दूं, तो वो दोनों में से कोई एक भी अगर होगा ना तो उसको समझ में आ जाता है, लेकिन हम दोनों लगा दें, सही है। अच्छा यहाँ पे आके मैं कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ इसमें, सही है। ES6 हेलो वर्ल्ड, नमाज का बोलने हैं, अच्छा बस उनको बोलो दो मिनट। अच्छा जी ये बन गई फाइल। अच्छा अब इसको हम अटैच कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट और इसमें वही SRC लगाएंगे हम, डॉट स्लैश और स्क्रिप्ट डॉट MJS, और अगर टाइप मॉड्यूल या मेंशन कर दें तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको पता चल जाएगा उससे भी। आ जाओ भाई, ठीक है, ES6 हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब इन दोनों में डिफरेंस ये होगा, अभी तो क्योंकि मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग लगाया तो दोनों में फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन जब हम नया वाला कोड लिखेंगे तो उस वक्त भी हम ये लगा कर देखेंगे कि ये इस वाले के अंदर ना वो पुराना वाला कोड ही लिखा जा सकता है, नया वाला नहीं लिखा जा सकता। बट ये जो मॉड्यूल करके मेंशन किया हुआ है इसके अंदर मैं नया वाला जो ESX का कोड है वो लिखूंगा तो ये मुझे चला देगा, बोलेगा हाँ चलाने दो, ठीक है, जैसा कि इम्पोर्ट वगैरह कुछ नई चीज़ें शामिल हैं इसमें। अच्छा तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो था वो कंप्लीट हो गया, ES5 और ES6 का दोनों का।